पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से। गांधी का नहीं हमारा बंदर है ना बोलता है। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। किसने किया अनिल कपूर का बॉयकॉट? एक गेस्ट अपीयरेंस से कैसे हुए मेन लीड में? क्या हट गए थे अनिल कपूर पीछे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का हाल ही में पहला गाना विघ्नहर्ता रिलीज कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है सलमान इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। बता दें फिल्म में जो रोल सलमान खान निभा रहे हैं, पहले इस रोल के लिए अनिल कपूर से भी कॉन्टेक्ट किया गया था। फिल्म की प्लानिंग के शुरुआती स्टेज के दौरान अनिल कपूर पर इस रोल के लिए विचार किया गया था, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता एक और अनाउंसमेंट हुई कि फिल्म में सलमान गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही सलमान खान ने शूटिंग शुरू की वैसे ही उनका रोल इतना बढ़ गया कि अब वो फिल्म में आयुष के साथ मेन लीड में है। बता दें महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न का रीमेक है। मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न में एक्टिंग और इसका निर्देशन दोनों ही प्रवीण तरड़े ने की है। प्रवीण तरड़े ने ही फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ भी लिखा है। साथ ही बता दें कि सलमान खान और महेश मांजरेकर ने दबंग, दबंग 3 और रेडी में एक साथ काम किया है। वहीं सलमान खान और अनिल कपूर ने एक साथ नो एंट्री, रेस 2 और युवराज में साथ में काम किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान टाइगर 3, किक 2 और कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्मों में नजर आएंगे अब। वहीं अनिल कपूर जुग जुग जियो और एनिमल जैसी फिल्मों में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है अगर फिल्म में अनिल कपूर सलमान की जगह होते तो उनका सरदार पुलिस वाला किरदार कैसा लगता? तो बात ये है कि हम या आप ये सोचते उससे पहले ही सलमान ने अनिल कपूर से ये बाजी छीन ली या अनिल कपूर खुद ही पीछे हट गए। क्योंकि भले ही अनिल कपूर एक बेहतरीन एक्टर है लेकिन सलमान के आगे कोई नहीं चल सकता, ये बात इस फिल्म से साबित हो जाती है। भले ही कोई कहानी कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी हो लेकिन अगर फिल्म को कोई हिट बनाता है तो वो है सलमान का फैन बेस। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।